इससे पहले आपको बता दें कि आज सीएम भूपेश बघेल का राजनांदगांव दौरा होने वाला है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह की प्रतिमा का इस दौरान सीएम भूपेश बघेल अनावरण करेंगे, वहीं विभिन्न कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। सीधा रुख करेंगे रायपुर का, तो रायपुर से हमारे संवाददाता रविंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, आज क्या क्या खबरें दिन भर प्रदेश में सुर्खियों में बनी रहने वाली है? देखिए, प्रदेश में जो सुर्खियों में खबरें जो बने रहने वाली है उसमें सीएम का दौरा है, जहां सीएम भूपेश बघेल आज रायपुर और राजनांदगांव के जिले के विभिन्न दौरे पे कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। सबसे पहले वो 12 बजे पुलिस परीक्षण विद्यालय माला रायपुर के लक्ष्य इंडोर फायरिंग रेंज आयोजित कार्यक्रम के विभिन्न भवनों का उद्घाटन करेंगे। पुलिस वाहनों का फ्लैग ऑफ भी करने वाले हैं। सीएम भूपेश बघेल 1:10 में एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर 1:40 में राजनांदगांव के डुमरी कला पहुंचेंगे। वहां पर ग्राम जिहान पहुंचकर स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर प्यारेलाल की प्रतिमा का भी अनावरण करने वाले हैं। उसके बाद सीएम भूपेश बघेल 2:05 में ग्राम डुमरी कला में आयोजित किसान मजदूर सम्मेलन में शामिल होंगे, जहां पर सीएम भूपेश बघेल 4:10 में वापस रायपुर लौटाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें राजधानी के राजीव भवन में कांग्रेस का मुख्यालय में आज प्रभारी शैलजा दुर्ग के प्रतिनिधियों वहां के जो बड़े नेता है उनकी बैठक 1-to-1 लेने वाली है। इसका कारण दो चीज महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले समय चुनाव में विधानसभा चुनाव सामने आने वाले हैं और इस विधानसभा चुनाव को देखते हुए उन 9 सीटों में जो तुर्क संभाग की आती है उन 9 सीटों को किस प्रकार से अपने कब्जे में करने के लिए कांग्रेस जो होड़ लगा रही है, क्योंकि 2018 के परिणाम कांग्रेस के सामान्य रूप से आए थे, वहां पर भाजपा को काफी नुकसान हुआ था और ये क्रम को आज कांग्रेस बरकरार रखना चाहेगी। क्योंकि हाल में ही सीएम भूपेश बघेल ने पहले ही 75+ का वादा कर चुके हैं और अभी हाल में ही प्रदेश अध्यक्ष नए एमके दीपक बैज भी आज इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, जिसमें बहुत सारी रणनीति बनने वाली है और कहां कोई कमी रह गई है, किन नेताओं की कोई कमी है, किस प्रकार से उन कमियों को दूर किया जाना चाहिए, वोटरों को कैसे साधना है और खास करके ग्रामीण तबके के लोग जो दूर अंचल में रहते हैं, ग्रामीण स्तर पर रहते हैं, विधानसभा के अंदर रहते हैं, उन तक कैसे अपनी बात को पहुंचाना है। 15 साल के जो रमन सरकार के कार्यकाल में जो काम विफल हुए उन चीजों को बताना है और 4 साल के जो भूपेश बघेल के सरकार में जो काम हुए उनको बताना है। तो ये दोनों तालमेल की जो चीजें हैं उन आम जनता तक पहुंचाकर इन वोटरों को साधने की बहुत सारी रणनीति बनेगी आज की इस बैठक को लेकर। काफी महत्वपूर्ण ये भी माना जा रहा है कि 3 दिवसीय दौरा है, हमारे शैलजा का प्रभारी है छत्तीसगढ़ की, आज दूसरा दिन है राजीव भवन में आज बैठक है, जिसको लेकर काफी कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें कुछ नए चीजें भी सामने होने और जो रूठे कार्यकर्ता हैं, जो रूठे पदाधिकारी हैं, जो बगावत किसकी पैदा कर रहे हैं उन पर भी काफी नजर रखी जाएगी। जी रविंद्र, आपराधिक गतिविधियों को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? अगर हम आपराधिक गतिविधि की बात करें तो सबसे पहले एक बड़ी जानकारी आपको मैं अपडेट करवाना चाहूंगा, जहां सीएम भूपेश बघेल को लेकर आए हैं, जहां पर एक अभद्र टिप्पणी की गई है। सीएम सिविल लाइन थाने में इसका केस तो मामले को दर्ज किया गया है। कल रात की घटना है 9:10 की, जहां पर केस को फेसबुक पोस्ट में सीएम भूपेश बघेल के नाम पर कुछ अपशब्द और अलग गलत कंटेंट पोस्ट किया गया था, जिसको लेकर काफी नाराजगी व्यक्त की गई और इस पर FIR कराई गई है। अगर हम बता दें तो यह थाना सिविल लाइन थाने मामले का है और इस पर पुलिस जांच कर रही है और ऐसे साइबर सेल के जो मामले जो फेसबुक के, इंस्टाग्राम के और सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहे हैं इसमें काफी तेजी आ रही है। पुलिस प्रशासन लगातार इस पर कार्रवाई कर भी रही है, लेकिन वैसे ही आपराधिक गतिविधि जो इस पर बढ़ रही है वो रुकने का नाम नहीं रही। अब तो बहरहाल ये समय ये आ गया है कि अब सीएम भूपेश बघेल के नाम से भी गलत कंटेंट डाला जा रहा है, जिस पर FIR की जाई है। जब अगर अभी आप खुद सोच सकते हैं जब सीएम भूपेश बघेल पर ही इस प्रकार की टिप्पणी फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाएगा तो आम जनता यहाँ पर क्या करेगी। इसके अलावा एक मैं दूसरी अपडेट आपको देना चाहूंगा, CCTV कैमरे की। हाँ, रायपुर राजधानी के एक बड़ा पौश इलाका है जहां पर बड़े हाईटेक लोग रहते हैं, वहां पर सीसीटीवी फुटेज जो कॉलोनी में होनी चाहिए हाईटेक सुरक्षा के साथ, तो वो सीसीटीवी फुटेज कितनी काम कर रही है कितनी काम नहीं कर रहे हैं इसका काफी अन्य जगहों से अगर हम बात करें तो पता चलता है कि बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप अपराधिक घटनाएं और बढ़ रही है और अगर घटनाएं हो रही है तो उसमें फुटेज हो नहीं पा रही है, जिसे शिनाख्त करने में जो अपराधी है जो पकड़ने में किस रूट से वो गया है, किस रूट में वो डाइवर्ट कर रहा है, ये सब की जानकारी उन्हें मिल नहीं पा रही पुलिस को। तो ये भी एक बड़ा सवाल है आपराधिक गतिविधियों को, क्योंकि जो अपराधी ये जानते हैं कि सीसीटीवी पूरे कहाँ पर खराब हो रही है, कहाँ पर की सही स्थिति है, तो ये सभी चीजें हैं जो आपराधिक गतिविधि के समय बनी हुई है। जी रविंद्र, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।